खबर जनपद नैनीताल के काला ढूंगी से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल में डॉक्टर और दवा सब कुछ समय से उपलब्ध हो इन सब व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इसी दौरान डॉक्टर पंत ने अस्पताल के परिसर, दवा भंडार, ओपीडी और जनरल वार्ड में जाकर निरीक्षण करते हुए रोगियों से बात कर उनकी दिक्कतों को भी जाना। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंत ने कहा कि निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनता द्वारा बाल रोग विशेषज्ञ की कमी और अल्ट्रासाउंड के संबंध में बताया गया, जिसका जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। कालाढूंगी से मुकेश शिमवाल की रिपोर्ट। कालाढूंगी अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक थी, औषधियाँ भी पूर्ण थी। थोड़ा सा जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चे वाले डॉक्टर की कमी स्टाफ द्वारा भी और जनता द्वारा भी बताई गई, उसको पूर्ण करने के प्रयास किए जाएंगे और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी अगर दी जा सकती है तो उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। सर, कालाढूंगी क्योंकि रामनगर और हल्द्वानी के बीच में है तो ट्रामा सेंटर की ज़रूरत को देखते हुए यहाँ प्रपोजल तो गया था। ये किस स्टेज में है और कितनी देरी है इसके विवेचना के बाद ही पता चलेगा कि देरी क्यों हो रही है। मैं पूरे प्रयास करूँगा कि ट्रामा सेंटर स्थापित करें।